सबसे बढ़िया चीज ये टोपी। अभी आपको तगड़ा मजा आने वाला है। फ्रंट के लिए इतना बढ़िया स्टिकर बनवाया है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही आवाज है, मीठी मीठी आवाज है, मीठी मीठी। अरे भाई, जितनी भी स्नो थी ना, सारी की सारी ब्लैक बन गई है। पैर ऐसे फिसलते हुए जा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक नई वीडियो पे। और आज का क्या सीन है, आज सुबह गाड़ी चली गई थी हमारी हीटर ठीक होने के लिए, बिकॉज उस बंदे ने बोला था सुबह 9 बजे गाड़ी यहाँ छोड़ देना। तो प्यार सिंह जी जाके छोड़ आए थे और अभी अपने उसको कॉल कर लिया है, वो कह रहा है आ जाओ आपके सामने गाड़ी ठीक कर दूंगा। तो मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। भाई साहब, काउंटर पे कौन है, मेरा ऑर्डर कौन लेगा, मेरा ऑर्डर कौन लेगा? एक ग्लास पानी। तुम्हारे पीछे आज सांड पड़ेगा, लाल कपड़े पहने हैं ना। मैं आगे आगे भागूंगा, सांड पीछे पीछे रहने। चले गुरुजी। फाइनली 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 हमारी गाड़ी का हीटर ठीक हो गया है। अभी गाड़ी स्टार्ट करिए इसलिए गर्म हवा नहीं फेंक रहा, नॉर्मल फेंक रहा, थोड़ी चलेगी ना उसके बाद गर्म फेंकेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही आवाज है, मीठी मीठी आवाज है, मीठी मीठी। तो अभी अपने लगभग लगभग सारे काम कंप्लीट है, हम कल निकल सकते हैं। जो 3 छोटे मोटे काम बचे हैं वो निपटा के कल गायब। अब फाइनली अब दिल को शांति मिली है कि हाँ अब निकलेंगे, मजा आने वाला है। गया तो हमने सोचा वॉशिंग भी करवा ही लेते हैं, वैसे तो गंदी हो ही जानी कल, लेकिन गाड़ी साफ सुथरी लेके जाएंगे। अरे काकू भाई, गाड़ी बढ़िया चमका दी तुमने, दिल खुश कर दिया। देखो हमारे स्टिकर भी चमक गए हैं। तो अभी हम स्टीयरिंग कवर लगवा रहे हैं, बिकॉज स्टीयरिंग बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है माइनस टेम्परेचर में, इसलिए हमने सोचा लगे आती है वाला काम भी करवाई दें। अभी आपको तगड़ा मज़ा आने वाला है। फ्रंट के लिए इतना बढ़िया स्टिकर बनवाया है ना, एक बार लग जाएगा फिर देखना लुक ही बदल जाएगी गाड़ी की। तो पहले मेरे दिमाग में ना कुछ स्टिकर थे कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे को अपनी गाड़ी में करवानी है, तो ये उनमें से एक है। अभी 2-3 और निकलवा रहा हूँ, वो दिखाऊंगा आपको, लगे भाई आतंक ही मचा दिया, मतलब मजा आने वाला है। एक हमारे दिमाग में ये आइडिया चल रहा था जो कि गाड़ी पे लगा हुआ बहुत ही बढ़िया लगेगा। अपने लगभग लगभग सारे काम हो गए, थोड़े बहुत मेरे को स्टिकर और बनवाने थे, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है। लास्ट एक स्नो चेन उठानी है, वो उठाने जा रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ पैकिंग करनी और कल सुबह गायब हो जाना है। पैकिंग भी बड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, एक भी सामान भूल गया ना तो दिक्कत होने वाली। और ये जो हम ड्राइव पे जा रहे हैं कम से कम 7 से 10 दिन का रहने वाला है, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 10-11 दिन रहेंगे। लेकिन भाई जो फील आने वाला है, मैं कसम से चाहकर भी आपको बता नहीं सकता क्या फील आने वाला है। बस आप फील करना, जब वीडियो आनी शुरू होगी ना वहाँ की, जब शुरू होगी वो वाली सीरीज, तो आप फील करना, मजा आएगा। ये चाय का ग्लास बढ़िया है, पुराने जमाने की याद आ गई है। और यहाँ देख लो भाई, ये स्मोचर हमारी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। चेयर क्या करेंगे, ये किसने किए थे वादे, कौन है ये, यही है ना, इन्होंने वादे किए थे 2 दिन पहले ही। हो गई है चेन यही कहीं पड़ी, ठीक भी नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे ना कड़ू जो इसमें फंसेगा वो कड़ू नहीं है। हाँ, उस दिन तभी लग रही थी वो लॉक, कड़ू टूट गया है। मैंने पहले आपको ये वाला स्टिकर भी दिखा दिया था, ये भी दिखा दिया था। एक ये पाउच और लगाया है, कुछ टॉफी वगैरह खाते हैं, मोबाइल रखना है मोबाइल इसके अंदर रख सकते हैं, गूगल मैप के लिए मोबाइल यहाँ पर लग सकता है, मतलब ए टू जेड सारी चीजें कर दी हैं। ये चार्जर चेंज कर दी है, इसके अंदर 2 पॉइंट यहाँ पर है, 3 पॉइंट यहाँ पर है, एंड्रॉयड भी है, आईफोन भी है, टाइप सी भी है, मतलब सारी चीजें कम्प्लीट है। तो ये है बॉस्को और वो है मिश्का। ओए कहाँ घूम रहे हो तुम? इन्हें गाड़ी में जाने के लिए रेडी है। अच्छा ओके। और ये है स्नो चेन। तो अभी का सीन है ना, जिस भाई को हमने चेन जोड़ने के लिए कहा था ना, पिछले 3 दिन से चेन वहीं पड़ी थी लेकिन जोड़ी नहीं। अभी लॉक नीचे से मंगाए हैं, वो ऊपर आएंगे, सेट होगी, तब तक हमारे काम पेंडिंग रह जाएंगे। पैकिंग करनी है, 2-4 छोटे मोटे काम है और वो निपटाने हैं। तो मैंने सोचा भाई की स्नो चेन मैं ले जाता हूँ, वो वाली स्नो चेन भाई रख लेगा। एक सेल्फी स्टिक चाहिए थी गोप्रो के लिए, जिससे बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो अपने लगभग लगभग सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और जो रह गया उसको रहने ही देंगे, फिर उसको बाद में देखेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस स्नो चेन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब आपसे आगे मिलते हैं।
इन गॉगल का ना बस यही घाटा होता है, ये देखो मेरा फ़ोन दिख रहा है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर स्क्रैच बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, देख रहे हो स्क्रैच, और जब ये स्क्रैच पड़ते हैं ना तो ये स्क्रैच सीधा दिल पे पड़ते हैं। बिकॉज मेरे पास भी ऐसे दो गॉगल है, एक लाइम का, एक स्कॉट का, एक बाहर से मंगाया था, एक दिल्ली से लिया था, एक पे हल्के हल्के स्क्रैच आ गए हैं, वो जब देखते हो ना स्क्रैच हाई, बिकॉज ये जो बढ़िया वाले होते हैं ना ये बड़े महंगे महंगे आते हैं, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का एक गॉगल है, तेरे वाला कितने का? 7 हज़ार रुपये का। इतनी मेहनत से बंदा खरीदो और स्क्रैच पड़ जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए इनके ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ लगी जो स्क्रैच पड़े ही ना। सबसे बढ़िया चीज़ ये टोपी, ये मेरे को बड़ी देर से दे नहीं रही थी, ये कल मैं पहन के जाऊंगा इसको। मैंने खुद किसी से छीनी है, चोर के घर में चोरी करी, मैंने खुद किसी से छीनी है, देखा कभी चोर के घर में चोरी कैसे होती है, ऐसे ही होती है। इसको मैं लेके जाऊंगा स्पीति, वहाँ स्नो में पहनूंगा, अच्छी लगेगी नंगा, अंकल ने कह दी अच्छी लगेगी। ये मेरे पे कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी, यस। दो बंदे कैसी लगेगी मेरे पे? बहुत अच्छी, बस आप कोई नहीं छीन सकता, मारो मारो मारो। तो ये हमारे बैग आ गए हैं जिसमें हम कपड़े वपड़े लेके जाएंगे। दिल्ली से तो मैं सूटकेस लेके आया था लेकिन वो लेके नहीं जा सकते, हार्ड चीज़ कोई भी नहीं लेके जानी जो खड़खड़ करे, ये वाले बैग सही रहेंगे, इसी में कपड़े छूट छूट के डाल लेंगे, मोटे मोटे कपड़े तो लेके जाने खाली। तो देखो भाई सीन ऐसा है, टाइम हो चुका है लगभग 10:34, सामान मैंने सारा चार्ज कर लिया, ड्रोन की बैटरी, गोप्रो, स्पीकर वगैरह सब कुछ, ये सारे कपड़े निकाले हैं लेकिन ये सारे नहीं लेके जा रहा, इनमें से कुछ लेके जा रहा हूँ, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने मनाली से नए खरीदे, जैसे ये दोनों हो गए, ये हो गई, थोड़ा बहुत और हो गया, ये कैप मैंने कसौल से ली थी, ये सारा का सारा सामान जाएगा ये वाले बैग में, और एक आधा शूज़ शहर में लेके जाऊँ इनमें से, नहीं तो सिर्फ यही वाले शूज़ काफ़ी हैं, ये बढ़िया भी हैं, वार्म भी हैं और लॉन्ग भी हैं, इसमें गीले भी नहीं होंगे। बस यही एक छोटी सी कहानी, जट प्रभजोत की जुबानी, ये सारा का सारा सामान पैक करना है, आधे घंटे में सामान पैक करूंगा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ पहले मैंने सोचा था ये वाली वीडियो और कल की वीडियो जो पहले दिन वाली वीडियो है उन दोनों कंबाइन करके एक लंबी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है कल वीडियो ना आए, नेटवर्क ना हो, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हम रस्ते के बीच में कहीं होंगे, अब आपको सारे अपडेट इंस्टाग्राम पे पहले बता लगेंगे, यूट्यूब पे थोड़ा लेट आएंगे, हो सकता है बीच में एक दो दिन वीडियो ना आए, नेटवर्क नहीं होंगे, नेटवर्क होंगे तो 100% आएगी, 1:30 बजे सोएंगे और सुबह 7 बजे निकलना है, और होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी क्योंकि यहाँ तक देख लिया। वैसे आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं लेकिन हाँ बताया गाड़ी में क्या क्या, देखो मैं अपनी गाड़ी में जो भी मॉडिफिकेशन करा रहा हूँ ना छोटी से छोटी सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, कल को किसी की हेल्प हो जाएगी, हाँ भाई गाड़ी लेके ये चीज़ें चेक करनी होती है, ये काम कराने होते हैं, बाकी ठीक है यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस, बाय बाय बाय। टेक्निकल गुरु जी की आत्मा मेरे अंदर ही है, मेरे को ऐसा लगता है। बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।